टॉपिक नंबर टू विच इज मुस्लिम इनहेरिटेंस. ठीक, मुस्लिम इनहेरिटेंस ही काफी ज्यादा मतलब सिंपल भी कहूंगी, लेकिन जब आप इसकी टेबल पढ़ोगे मतलब हिंदू लॉ से समझने में ही आसान, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो शेयर्स हैं वो फिक्स किए हुए हैं. ठीक है, लेकिन टेबल में थोड़ी सी समझने में याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो, क्योंकि हर पॉइंट में बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है कि भाई वाइफ को कब मिलेगा, मदर को कब मिलेगा, डॉटर को कब मिलेगा, सन नहीं होना चाहिए, सन सन नहीं होना चाहिए, दो डॉटर है तो उनको हम देखेंगे. बट वंस आप टेबल बना लोगे, कुछ रिलेशनशिप्स हैं सिर्फ उन्हीं को आप देखना मेंस के लिए. ठीक है, क्योंकि इसमें जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेट करके पूछा नहीं जाता, कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स हैं जिनको ही दिया जाता है, तो उनको आप आसानी से याद कर लोगे अगर आप सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चंस को. तो सबसे पहली बात तो यही है इसके अंदर कि जो शेयर्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं फैमिली मेंबर्स के. दूसरी बात, डिजीज की जो नेट प्रॉपर्टी है उसी को फर्दर इनहेरिट किया जाता है. नेट प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे आप, तो ये क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. फॉर से ये टोटल प्रॉपर्टी है, तो इसमें से माइनस कर दोगे फ्यूनरल एक्सपेंसेस. उसके बाद कोई भी डेब्ट या लोन की जो है पेमेंट होनी है तो वो भी आप माइनस कर दोगे. पेंडिंग कमिटमेंट है उसको माइनस कर दोगे. इनफैक्ट विल जो है, विल का टॉपिक हमने किया था ना, उसको माइनस कर दोगे. ये सारी चीजें निकालने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बच जाती है वो सारी की सारी मुस्लिम इनहेरिटेंस में के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसके अंदर कुछ रिलेशनशिप्स है जो हमें पहले समझने पड़ेंगे, जैसे कि सिबलिंग्स है उनको क्या कहा गया है, इकवा. इकवा, ठीक है, इकवा उनके लिए वर्ड यूज किया है. ठीक है, एक तो होते हैं रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, ठीक, फुल ब्लड जिन्हें कहते हैं. एक होते हैं पेटर्नल और एक होते हैं मेटर्नल. ठीक, देखिए रियल तो आपको पता ही है कौन होते हैं, पेटर्नल बताओ कौन होते हैं, पी और एम, इधर से ही पता चला लो. पेटर्नल हाफ ब्लड कौन से होते हैं, मैम, यू आर किससे टॉकिंग कनेक्टेड अबाउट होते हैं ब्रदर वो, एंड सिस्टर कॉमन कौन होते हैं. फादर. ठीक है, क्योंकि पेटर्नल है तो इसको हमने हिंदू लॉ में क्या पढ़ा था कि ये होते हैं, हाफ ब्लड और ये मेटर्नल यानी कि ये मदर से कनेक्टेड है, तो ये क्या है, यूट्राइन ब्लड. यूट्रिन ब्लड. ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं मुस्लिम लॉ में. क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं बता सकते हो. डोंट नो मैम. ठीक है, जो रियल है उनके लिए वर्ड यूज किया गया है हकीकी, हकीकी. एंड देन जो आपके पेटर्नल है उनके लिए अलाती. एंड देन जो यूट्रीन है यानी कि जो मेटर्नल है उनके लिए अख्याफी, अख्याफी. ठीक है, और जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन है वो कौन होते हैं, औलाद. ठीक है, उर्दू टर्म यूज की गई है औलाद उन्हें कहा गया है. ठीक है, चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर कोई सिबलिंग्स आपस में मेटर्नल रिलेशनशिप रखते हैं तो उसमें मेल और फीमेल को 1:2 में जो है प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, लेकिन जो रियल ब्रदर सिस्टर हैं या फिर उनका कनेक्शन जो है पेटर्नल वाला है तो उसमें 2:1 रखा गया है, यानी कि मेल जो होगा उसको 2:1 में मिलेगी और फीमेल है उसको मेल से आधा मिलेगा. ठीक है, इतनी सी बात समझ आई, इतना क्लियर है. अगर कोई मेटरनल जो है सिबलिंग्स है. ठीक है, यस समझ आ गई. अभी तो चीजें सिंपल चल गई. देखो अब जो चिल्ड्रन है कहाँ मिलेगी, उनकी कौन सी कहाँ तक जनरेशन को मिलेगी वो हम देखते हैं. जैसे कि फॉर से ये पी है और इसकी डेथ हुई है तो है इसकी डॉटर सन. ठीक है, अब सन के भी डॉटर है और सन है, और इस डॉटर की भी डॉटर है सन है, और इस डॉटर की भी डॉटर है सन है, और यहाँ सन की डॉटर है सन है ना. तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो,
ठीक, कि भाई अब जो, यानी कि कहने की बात सिंपल है, डॉटर की जो फादर आगे की जनरेशन है ना, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। डॉटर की जो फादर, डॉटर से जो रिश्ते आ रहे हैं आगे के, डॉटर्स से जो रिश्ते आ रहे हैं आगे के, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है समझना जरूरी था, ठीक है। अभी देखिए, और हमने बात की 2:1 में, कौन से मेल एंड फीमेल ऐसे हैं जिन्हें 2:1 में जो है इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी दी जाएगी। 2:1 की बात कर रहे हैं हम अभी, तो जो जिसकी डेथ हुई है उसका सन और डॉटर, ठीक है। उसके बाद सन्स 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 डॉटर, उसके बाद सन 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 डॉटर, रियल ब्रदर रियल सिस्टर, पेटर्नल ब्रदर पेटर्नल सिस्टर, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी औलाद, जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी औलाद, यानी कि उसके चिल्ड्रन, और ये आ गए उसके भाई बहन, ये रियल वाले आ गए और ये पेटर्नल वाले आ गए, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि भाई जो रियल और जो पेटर्नल है, उधर कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, मेल को 2 और फीमेल को 1, लेकिन मेटर्नल वाले में बोला था मैंने 1:1 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने मेटर्नल जो सिबलिंग्स है उनको नहीं डाला है, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो टेबल बनाई है ये है 2:1 वाली, ठीक है। स्टूडेंट्स अपने ना खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो, जैसे मैं टेबल्स वगैरह बना रही हूँ, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही, ठीक है। अब मेल एंड फीमेल को 1:1 कब दिया जाता है, यानी कि बराबर, ठीक है। तो मदर और फादर, मेटरनल ब्रदर मेटरनल सिस्टर, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ठीक है, इन सभी को दिया जाता है 1:1 के हिसाब से, 1:1 के हिसाब से, ठीक है। और एक टर्म है कलाला, कलाला क्या होता है, कोई बता सकता है? देखिए, कलाला वो पर्सन है जिसकी ना कोई औलाद है, जिसके ना कोई फादर है, जिसके ना कोई ग्रैंड फादर है, ठीक है। तो वो पर्सन कलाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम मुस्लिम लॉ में देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 टेबल है, टेबल 1 टेबल 2, ठीक है। तो टेबल 1 के अंदर है शेयरर्स और टेबल 2 के अंदर है रेसिडियरी, ठीक है। अब सिंपल सा हिसाब है, कोई आदमी कोई भी आदमी कह रही हूँ, कोई भी पर्सन जो है हमारा है, जो डिजीज्ड है, डिजीज्ड की ये प्रॉपर्टी है, डिजीज्ड की ये प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर से सबसे पहले हम उसके क्या निकालेंगे बताइए, अभी जहां तक मैंने बताया उसके हिसाब से आप क्या निकालोगे, ये टोटल प्रॉपर्टी है। टोटल प्रॉपर्टी में से उसकी नेट जो है प्रॉपर्टी निकालोगे ना, इसमें से क्या क्या माइनस करोगे आप, पहले फ्यूनरल एक्सपेंसेस, डेब्ट्स, लोन्स, पेमेंट ऑफ कमिटमेंट्स, विल, सब कुछ माइनस कर दिया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच गई, अब उसमें से आप देखोगे कि टेबल 1 के अंदर जो लोग हैं उसके कितने कितने शेयर हैं, सबको आपने दे दिया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बची रेजिडरी, वो टेबल 2 के पास जो है चली जाएगी, ठीक है। अब टेबल 1 के अंदर जो है कितना शेयर जाएगा वो एकदम फिक्स्ड है, तो टेबल 1 को अब लिखने का काम स्टार्ट हो जाता है आपका। इसको लिख लो, ठीक है, लिख लो, ये काफी ज्यादा अपनी लैंग्वेज में आपको इजी हो जाएगा, ठीक। तो हस्बैंड है, ठीक, अगर वाइफ की डेथ हुई है तो जो उसका हस्बैंड है वो कब और कितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, मरने वाली अगर कोई महिला है तो उसका पति भी तो होगा ना, पति जो है उसका अगर हस्बैंड है तो वो कितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, ठीक है। देखिए, अब जो मैं रिलेशन बता रही हूं ना, वो आप सब देखोगे डिजीज के साथ। देखो, अगर तो चाइल्ड है किसके, मरने वाले के,
ठीक है, तो फिर इस हस्बैंड को मिलेगा 1/4 शेयर, चाइल्ड है तो 1/4 शेयर मिलेगा, अगर चाइल्ड नहीं है तो मिलेगा हाफ, ठीक, अगर चाइल्ड है तो 1/4, अगर चाइल्ड नहीं है तो 1/2, ठीक। तो ये चाइल्ड किसके देख रहे हो आप, जो मरने वाली जो डिजीज है उसके, ठीक है, तो नीचे के जो सारे रिलेशंस है ये उससे ही चलेंगे। दूसरे पॉइंट पर आ जाती है वाइफ, अगर मरने वाला आदमी है तो उसकी वाइफ भी तो इनहेरिट करेगी। अब वाइफ के केस में भी ऐसा है, अगर डिजीज के चाइल्ड है तो 1/8 शेयर मिलेगा वाइफ को, अगर चाइल्ड नहीं है तो 1/4 शेयर मिलेगा वाइफ को, ठीक है। अब आ जाते हैं डॉटर पे, तीसरा रिलेशनशिप है इनका साफ साफ डॉटर का। जो डॉटर है, अगर दो डॉटर हैं और कोई भी सन नहीं है, दो डॉटर हैं और मरने वाले का कोई भी सन नहीं है, तो दोनों डॉटर को मिलेगा 2/3। अब ये दोनों डॉटर आपस में शेयर को जो है बांट ले, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही डॉटर, देखो डॉटर को टेबल वन में रखा गया है, डॉटर को टेबल वन में सिर्फ तभी मिलेगा अगर बेटा नहीं है, ठीक है। अगर सन है, देखो मैंने लिखा है ना, अगर सन नहीं है तभी मिलेगा, अगर सन है तब क्या होगा, अगर सन है तो दोनों को टेबल टू के हिसाब से मिलेगा। कैसे, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे मिलेगा मेल और फीमेल को, अभी 2:1, 1:1, तो वो सब अप्लाई हो जाएगा। मैंने अभी आपको 2:1 वाला जब बताया तो उसके अंदर बताया था ना, सन और डॉटर को 2:1 में रखा गया है ना, तो अगर सन है तो उन्हें टेबल टू में इकट्ठा बांट देंगे कि भाई 2:1 में सन और डॉटर को एक साथ दे देंगे, लेकिन अगर सन नहीं है और दो बेटियां हैं तो 2/3 का इनको शेयर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही डॉटर है, एक ही डॉटर है और सीन वही चलेगा कि भाई सन नहीं है तो 1/2 इसको शेयर हम दे देंगे। इतना यहां तक अभी तक क्लियर है? देखो ये सारी चीजें ना थोड़ी सी लर्न करने वाली है, जल्दी लिखो चार्ट में, इतना क्लियर है? देखो सन की अब जो डॉटर है उसकी बात आ जाती है, सन की डॉटर यानी कि ये जो पर्सन है इसकी डेथ हुई है, अगर ये आदमी था ठीक है तो इसकी वाइफ की बात कर ली हमने, और अगर ये औरत की डेथ हुई तो इसके हस्बैंड की हमने बात कर ली, अब इनके बच्चों की बात कर रहे थे तो हमने डॉटर की बात कर ली, ठीक है। अगर सन नहीं है तो, अगर सन है तो दोनों को टेबल वन में कुछ नहीं मिलेगा, टेबल टू में चली जाएगी डॉटर। अब चौथा रिलेशन आया सन को, देखो सन को नहीं रखा गया टेबल वन में, सन को टेबल टू में ही रखा गया है, लेकिन सन की जो डॉटर है उसको टेबल वन में रखा गया है, लेकिन सन की डॉटर को टेबल वन में कब मिलेगा, सन की डॉटर को टेबल वन में तब मिलेगा जब कोई सन नहीं है, ठीक है। यानी कि अब आप सोचोगे सन नहीं है तो ये सन की डॉटर क्या है, यानी कि ये वाला सन होता मतलब और भी तो सन होंगे ना, उनकी बात की है, ठीक है। इस सन, ये जो सन होता तो डॉटर को तो मिलता ही नहीं ना, आगे की पुष्टि पीढ़ियों को क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये सन नहीं है। अभी थोड़ी सी लॉजिकल और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बट ओवर द टाइम जब आप इसको सॉल्व करोगे चीजों को तब आपको समझ आएगा। जनरली सन डॉटर तक नहीं पूछेंगे वो, डॉटर सन मदर फादर वाइफ हस्बैंड यहीं तक रिवॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना ज्यादा, पर फिर भी एक बार लिख लो इन सब चीजों को, अगर कोई सन नहीं है, कोई डॉटर नहीं है, कोई सन्स सन नहीं है, तभी सन की डॉटर को टेबल वन में मिलेगा, अदरवाइज मैंने कहा है ना सबको बराबर रख के हम टेबल टू के अंदर देंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं तभी इसको मिलेगा, ठीक है। वही है इसमें, अगर ये दो हैं, अगर ये दो सन्स डॉटर हैं तो इन्हें 2/3 मिल जाएगा, अगर ये एक अकेली है
तो इसे 1/2 मिल जाएगा और कंडीशंस सेम रहेंगी कि भाई ये जो है ये नहीं होने चाहिए, अगर ये है तो सन्स डॉटर को कहाँ मिलेगा, टेबल 2 में मिलेगा। ये जो हम बात करें ये टेबल 1 की बात करें, टेबल 1 में कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम पांचवा रिलेशनशिप देखें तो पांचवा रिलेशनशिप है, अच्छा एक पॉइंट और रह गया इसके अंदर, कभी कभी अभी हमने बात की सिंगल डॉटर की, डबल डॉटर की, इन केस जो जिस पर्सन की जो है डेथ हुई है, पी की अगर डेथ हुई है उसकी ना तो कोई सन है ना सन सन है, लेकिन सिर्फ एक डॉटर है, सिर्फ एक डॉटर है, ठीक है, तो इस केस में सन की डॉटर को ना 1/6 भी दे देते हैं, 1/6 भी दे देते हैं। अगर हम बात करें पांचवे रिलेशनशिप की तो पांचवा रिलेशनशिप है सन सन डॉटर, सन सन डॉटर में भी यही है कि भाई दो हैं ये तो इनको मिल जाएगा 2/3, अगर ये एक अकेली है तो इसे मिल जाएगा 1/2, ठीक है, पर इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी कंडीशन है कि सन नहीं होना चाहिए, डॉटर नहीं होना चाहिए, सन सन नहीं होना चाहिए, सन डॉटर नहीं होना चाहिए, सन 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 नहीं होना चाहिए, और इसकी कंडीशंस भी सेम है, ठीक है, इन दोनों की कंडीशन सेम है, लेकिन SSD को जो है 1/6 भी मिल जाएगा, कब, या तो एक डॉटर है या एक सन डॉटर है और ये प्रेजेंट है तो 1/6 मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि स्टिल सन 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 और SSS तो नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो इनमें से अप्लाई करके देख लेना जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से दे देना 2/3, 1/2 या 1/6, ठीक है। सिक्स्थ अगर हम रिलेशनशिप देखें तो सिक्स रिलेशनशिप आ जाता है फादर का, फादर को अगर चाइल्ड है तो मिलेगा 1/6। सेवेंथ आ जाता है मदर का, सेवेंथ आ जाता है मदर का 1/6 मदर को मिलेगा अगर चाइल्ड है, यानी कि ये जो सारे रिलेशनशिप चल रहे हैं ना कि चाइल्ड है सन है डॉटर है, अब ये इन मदर फादर के नहीं चल रही, ये उसी के चल रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो डिसीज्ड है जिसकी डेथ हुई है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो जिसकी डिसीज्ड की डेथ हुई है उसके चाइल्ड है या फिर उसके अगर औरत मरी है तो उसके हस्बैंड है या फादर है वो प्रेजेंट है, तो मदर को 1/6 मिलेगा, ठीक है, और मदर को 1/4 मिलेगा अगर वाइफ मतलब मरने वाला आदमी है तो उसकी वाइफ है उसके फादर है, और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही है तो मदर को 1/4 मिल जाएगा इस केस में, ठीक। अब 1/6 वाली भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही, 1/4 वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, देन कम से कम आप उसको 1/3 तो मदर का फिक्स है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मदर, ठीक, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो कम से कम 1/3 तो मदर को मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो फिक्स है उसके लिए। अब अगर हम एर्थ रिलेशनशिप पे चले तो बात आ जाती है फादर्स फादर, यानी कि फादर के फादर की, ठीक है, तो इसमें भी यही है, अगर चाइल्ड है तो 1/6 दे दोगे, चाइल्ड है तो 1/6 दे दोगे। अगर नाइन्थ रिलेशन देखे, अब फादर की मदर यानी कि दादी, ठीक है, तो उनको कितना दोगे, पहली बात तो अगर मरने वाली की मदर जो है नहीं है तो 1/6 दे दोगे दादी को, अगर मदर भी नहीं है फादर भी नहीं है, यानी कि हनाफी और मलिकी लॉ, ठीक है, मदर भी नहीं है फादर भी नहीं है तब भी उसको 1/6 दे देते हैं हनाफी और शफी लॉ, तो नाइन्थ रिलेशन हो गया। टेंथ हो गया मदर की मदर, यानी कि नानी, मदर की मदर नानी, तो अगर मदर नहीं है, मरने वाली की मदर नहीं है तभी तो आ रही है ना नानी की बात, तो अगर मदर नहीं है तो 1/6 दे देंगे नानी को। अब है सगी बहन, रियल सिस्टर, इसमें भी यही है कि अगर दो रियल सिस्टर हैं
तो उनको दे देंगे 2/3, अगर एक ही रियल सिस्टर है तो इसको दे देंगे 1/2, ठीक है। पर कंडीशन क्या है, चाइल्ड नहीं होने चाहिए, फादर नहीं होने चाहिए, फादर फादर नहीं होना चाहिए और रियल ब्रदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर रियल ब्रदर है तो हम इसको टेबल 2 में दे देंगे, बराबर रेशियो के हिसाब से। 2:1 वाले में थे ना रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, तो हम इसको 2:1 के हिसाब से टेबल 2 में इनको दे देंगे। दूसरी बात आ जाती है पेटर्नल सिस्टर। पेटर्नल सिस्टर और पेटर्नल ब्रदर भी आपने देखा था 2:1 में थे, तो पेटर्नल सिस्टर को भी टेबल 1 में रखा गया, लेकिन अगर पेटर्नल ब्रदर है तो इसको भी टेबल 1 में कुछ नहीं मिलेगा, टेबल 2 में दोनों को इकट्ठे 2:1 के हिसाब से दे देंगे। तो इसमें भी यही है कि पेटर्नल सिस्टर अगर आपकी 2 है, पेटर्नल सिस्टर अगर आपकी उस पर्सन की 2 है तो उसे मिलेगा 2/3, और सिंगल है तो मिलेगा 1/2। देखिए इतना तो आप याद कर लीजिए कि भाई 2 है तो 2/3 हो जाएगा, सिंगल है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जो रिलेशन है वो लॉजिक लगा लेना कि भाई सिस्टर है, भाई के साथ कोई वो थोड़ा ना करेंगे, तो ब्रदर है, पहली कंडीशन तो यही होगी। और नाना नानी के में ये याद रख लेना, नाना नानी मतलब नानी तक बात क्यों पहुंच रही है, क्योंकि मदर नहीं है कहीं ना कहीं, तो कुछ कंडीशन अपने आप लॉजिकली याद हो जाएगी। बट आई नो कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है। तो पेटर्नल सिस्टर को भी कब मिलेगा कि भाई चाइल्ड नहीं होना चाहिए, फादर नहीं होना चाहिए, फादर फादर नहीं होना चाहिए, रियल ब्रदर नहीं होना चाहिए, रियल सिस्टर नहीं होना चाहिए, पेटर्नल ब्रदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी इनकी कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इन केस पेटर्नल जो सिस्टर है, पेटर्नल जो सिस्टर है इसको इन केस 1/6 भी दे दिया जाता है कभी कभी। कब? कि भाई चाइल्ड नहीं है, अगर फादर नहीं है, फादर फादर नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है, पेटर्नल ब्रदर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक रियल सन जो है वो है, सिर्फ एक रियल सन है, सिर्फ एक है और वो भी रियल सन, तो उसमें पेटर्नल सिस्टर और ये सारे रिश्ते भी नहीं है, तो भाई 1/6 जो है वो दे देंगे इसे। फिर उसके बाद आ जाता है फाइनली 13th रिलेशनशिप, जो कि है मेटर्नल ब्रदर मेटर्नल सिस्टर का, जो कि मैंने आपको कहा था 1:1 में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये 2 है सिब्लिंग्स, अगर 2 है तो इनको दे दिया जाएगा 1/3, और अगर एक ही सिब्लिंग है तो 1/6, लेकिन कंडीशन क्या है कि चाइल्ड नहीं होना चाहिए, फादर नहीं होना चाहिए, फादर फादर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इनको दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। देखो ये सारी बातें हमने देखी कि कब देंगे, ये नहीं होने चाहिए, ये रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। अगर ये सारे रिलेशनशिप है तो क्या होगा, अगर ये सारे रिलेशनशिप है फॉर से मदर में फादर में, तो इन सबको टेबल 1 में कुछ नहीं मिलेगा, इनको टेबल 2 में ही सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। टेबल 2 है रेजिडुअरी की, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ करूंगी,
सी देखो ये टेबल टू है, मैंने आप वहां आपने देखा होगा कि डॉटर डॉटर्स को ज्यादा रखा गया, सन 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 को नहीं रखा गया है। और मैंने कहा था कि फादर को कब मिलेगा, जब चाइल्ड है, चाइल्ड नहीं है तो क्या होगा, टेबल टू में आ जाएंगे फादर। तो अगर कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही ना इन सब की, तो ये सभी के सब टेबल टू में आ जाएंगे और फिर इन्हें टेबल टू के अकॉर्डिंग जो है इनके शेयर्स बांटे जाएंगे। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि मैंने एड ऑन लिखे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ एड ऑन लिखे। ये कौन है ये लोग, डॉटर सन डॉटर सन सन डॉटर, तो ये लोग वो हैं जिनको टेबल वन के अंदर रखा गया था, लेकिन उनकी कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण वो टेबल टू में आ जाते हैं। तो देखो डॉटर वैसे तो आप देखोगे टेबल वन के अंदर थी, लेकिन अगर इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये टेबल टू में आ जाएगी। तो जब सन है और डॉटर है इनको साथ में जो है डिवाइड कर दिया जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 में। अब आप बोलोगे 2:1 कैसे पता चला, किनको 1:1 किनको 2:1 में देनी है। तो ये देखो हमने ऑलरेडी जो है कवर कर रखा था, जो हमने टेबल्स ड्रॉ करी थी 2:1 वाली 1:1 वाली, वहां हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ था, ठीक है। तो मेल और फीमेल का इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें जो है कंडीशन याद करनी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वो वही कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस देखते हैं जिससे आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, और कुछ रूल्स भी हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये है पी जिसकी डेथ हुई है, ये है उसकी वाइफ और ये है उसका एस S1 और डॉटर, ठीक है। तो भाई इसकी डेथ हो गई है, तो अब बताइए इनको 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 किस किस को शेयर मिलेगा, कौन सी टेबल के हिसाब से कितना शेयर मिलेगा बताइए। सबसे पहले वाइफ का बताइए कि वाइफ को कौन सा शेयर मिलेगा, जो अभी मैंने टेबल बनवाई है उसका सेकंड पॉइंट आप खोल लो, टेबल वन का सेकंड पॉइंट, जब वाइफ की डेथ होती है तो वाइफ को कितना शेयर मिलेगा बताइए, अनम्यूट कर लो। वाइफ को कितना शेयर मिलेगा बताइए, टेबल वन खोलिए ना जो आपको अभी मैंने कराया, टेबल वन उसके अंदर हमने पहला पॉइंट बताया था हस्बैंड, दूसरा पॉइंट बताया था वाइफ। तो टेबल वन में मैंने आपको पहले तो टेबल वन निकालो, बताओ टेबल वन में मैंने आपको वाइफ के पॉइंट में क्या बताया था कि वाइफ को कब शेयर मिलेगा, वाइफ को कब शेयर मिलेगा, देखो टेबल वन में हमने कहा था ना भाई वाइफ को शेयर तब मिलेगा, दो कंडीशन है, एक तो चाइल्ड है, एक कंडीशन तब जब चाइल्ड नहीं है, किसके, जिसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे मरने वाले की चाइल्ड है ना, मरने वाले की चाइल्ड है ना, तो इस वाली कंडीशन को हम उठाएंगे कि चाइल्ड है, तो जब चाइल्ड है तो वाइफ को कितना शेयर मिलेगा, 1/8, ठीक है, तो 1/8 इसको मिल गया। दूसरी बात, सन सन और ये डॉटर है, तो सन को तो टेबल वन में रखा नहीं गया लेकिन डॉटर को रखा गया है। लेकिन जब हमने टेबल वन के अंदर कंडीशन देखी तो हर कंडीशन में देखा कि भाई डॉटर में यही लिखा हुआ है कि भाई सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर सन है तो डॉटर भी टेबल टू में चली जाएगी और सन और डॉटर को सेम मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था सन और डॉटर को कितना मिलता है, 2:1 मिलेगी, यानी कि मेल को 2 और फीमेल को 1, तो 2:1 में 2:1 में मिल जाएगा, यानी कि डबल टू द सन्स एंड सिंगल शेयर टू द डॉटर। तो इन सबको किसके हिसाब से मिला, टेबल टू के हिसाब से, ठीक है। और अगर सन जो है नहीं होते तो डॉटर को टेबल वन के हिसाब से मिल जाता, ठीक है, टेबल वन के हिसाब से मिल जाता।
और सिंगल ही डॉटर है तो टेबल वन के हिसाब से इसे कितना मिलता, 1/2, ठीक है, 1/2 इसे मिल जाता। दूसरे पॉइंट पे अगर हम चले तो दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल पी की डेथ हुई है और इसकी वाइफ है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल भी है जो मैं आपको समझाऊंगी, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो मर गया मर गया, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ये एस अपने फादर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है क्योंकि फादर की डेथ हो जाती है, तो ये ब्रांच एक्सक्लूड हो जाती है, इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो शेयर है वो किसको मिलेंगे, वाइफ को, और जो एक बेटा बच गया उसको, ठीक है। तो अगर हम टेबल वन के हिसाब से देखें तो लिखा हुआ है वाइफ को 1/8 शेयर मिलेगा जब मरने वाले का चाइल्ड है, तो इस केस में मरने वाले का चाइल्ड है तो वाइफ को मिल गया 1/8 वाइफ का शेयर। और सन जो है टेबल वन के अंदर तो इसे रखा नहीं गया, तो टेबल टू के अंदर रखा गया है, तो सन जो है, अब देखो और तो कोई रिलेशन है नहीं इस चार्ट में अगर हम देखें तो। मैंने आपको कहा था टेबल जो पूरी प्रॉपर्टी है उसमें पहले टेबल वन में देखो कौन कौन है, शेयर इतना शेयर वाइफ वन को चला गया, अब जो प्रॉपर्टी बच गई वो टेबल टू के अंदर चली जाएगी। टेबल टू के अंदर पहली कैटेगरी कौन है, सन है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी सन को चली गई बची हुई टेबल टू के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको बोलते हैं रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है ये अप्लाई नहीं होता सुन्नी लॉ, ठीक है, सुन्नी लॉ में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं होता, लेकिन शिया लॉ में भी कहा है कि नहीं होता, लेकिन अगर पैरेलल रिलेशनशिप्स होते हैं तब शिया के अंदर रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई होता है। अब आप सोच रहे होंगे पैरेलल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये पी होता तो इसके दो बेटे हैं, दोनों की डेथ हो चुकी है और दोनों के सन सन है, अब यही है और दोनों पैरेलल है, तो इस केस में जो है रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं होगा, इसको और इसको जो है मिल जाएगा टेबल टू के हिसाब से शेयर, ठीक है। तो ये शिया लॉ कहता है कि भाई अगर पैरेलल सिचुएशन में हो कोई लोग तब जो है शिया में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई हो जाता है, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा। तो सुन्नी और शिया लॉ दोनों ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने अभी अभी एक रूल समझा, ठीक। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देती हूँ कि पी जो है ये ओनर है, 30 लाख रुपीज की इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें अमाउंट ले लेते हैं हम ताकि आसानी हो समझने में। तो पी एक ओनर है, 30 लाख की इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसके पीछे इसके रिलेशनशिप्स हैं सन एंड डॉटर। तो बताइए कितनी अमाउंट सन को दिया जाएगा और कितना अमाउंट डॉटर को दिया जाएगा। और अभी तक मैंने सारे रूल्स जो पढ़ाए हैं इनहेरिट करने से पहले उनको आप अप्लाई करना, तो इसका जवाब दीजिए। मैम 20 लाख टू सन, 10 लाख टू डॉटर। कैसे, सीधा पूरी प्रॉपर्टी उठा के कर, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैंने पूरे फैक्ट्स नहीं बताया। देखो 10 लाख का विल करके गया हुआ है, ये 10 लाख का विल करके गया और 5 लाख का लोन, तो पहला आपने सही बताया 10 लाख टू सन, 5 लाख टू डॉटर। नहीं, ये टोटल प्रॉपर्टी है, ये टोटल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो किसी तीसरे बंदे के नाम पे ना 10 लाख की जो है फोर से विल करके गया हुआ है और 5 लाख उसने कहीं से लोन वोन ले रखा था, तो अब क्या होगा मैम इसमें। तो फिर ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो 30 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे, हो जाएगा 25 लाख। अब उस 25 लाख में से अगर 1/3 ही किसी तो छोड़ दो, ये मैंने अभी अमाउंट ऐसे लिया आपको समझाने के लिए कि भाई विल वगैरह जो है माइनस करोगे, तो सीधी सी बात है कि भाई वो विल करके गया, तो विल वाले अमाउंट को भी आप क्या कर दोगे डायरेक्टली देखे तो 15 लाख इसमें से माइनस हो गया, वो जाएगी नेट प्रॉपर्टी और 2:1 रेशियो। तो आपको क्या करना है, यानी कि कहने की बात सबसे पहले ये है कि हमेशा आपको जो टोटल प्रॉपर्टी है ना उसमें से आप पहले नेट प्रॉपर्टी निकाल दो, ठीक है। नेट प्रॉपर्टी आपने बिल्कुल सही निकाली, आपने पहले डेप्ट्स को और इसको विल को जो है माइनस कर दिया और उसके बाद नेट प्रॉपर्टी आप बांट दोगे, किस रेशियो के हिसाब से और कौन से टेबल के हिसाब से बांटोगे, 2:1 रेशियो।
आपने ऐसा क्यों किया, 2:1 रेशियो क्यों किया? क्योंकि पैटर्नल रिलेशंस के अंडर आ रहे हैं और सन एंड डॉटर को, मतलब डॉटर को सन की हाफ मिलती है। और डॉटर क्या टेबल वन में थी? यस पर उसे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई उसका सन यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। सन यहाँ पर है क्योंकि, है ना, सन यहाँ पर है क्योंकि। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। इसमें अभी तक हमने जो सारे रूल्स पढ़े सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, पी है, इसकी डेथ हो जाती है, वाइफ है, अब बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैम। वाइफ को 1/8, तो जो रिमेनिंग 7/8 होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एस एंड डी होगा इन 2:1 रेशियो, एंड एस एस विल नॉट गेट एनीथिंग क्योंकि ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं क्यों? होता। क्योंकि रूल ऑफ रिपल, यस राइट। ठीक है, ओके। देखो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ इज, तो कुछ रिलेशनशिप्स है जिनके आपको कंडीशन याद करने की जरूरत है, जैसे मदर फादर हो गए, वाइफ हो गए, और सन और डॉटर वाले कर लेना मेनली। तो ठीक है, अगर फिफ्थ क्वेश्चन हम करें तो देखो इसमें डेथ हुई है पी की, और उसके पीछे है उसके फादर, इसकी वाइफ भी है, इसका सन है एक, इसकी डॉटर है एक, और फैक्ट्स ये है कि ये जो सन है ये इललेजिटिमेट है, ये डॉटर जो है ये अनचेस्ट है, ठीक है, और ये वाइफ है, ये फादर है। अब बताइए किस किस को शेयर मिलेगा। पहली बात तो एफ डब्ल्यू ठीक है, एस को तो नहीं मिलेगा, दैट इज आई एम श्योर, बट डी का मुझे डाउट है। किसको नहीं मिलेगा? एस को तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो इलेजिटिमेट है, ठीक है राइट। ठीक लेकिन है, डी डी का आई डोंट नो, और डबल एस को उसको सन भी नहीं सन, मिलेगा वो, हाँ रिप्रेजेंटेशन रूल क्योंकि नहीं तो लगेगा। सबसे पहले तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि ये भी एक्सक्लूड है और ये भी एक्सक्लूड है, तो बचा कौन? डॉटर को हम देंगे, ठीक है, अनचेस्ट है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डॉटर को हमने कहा है ना सीधा सीधा कि भाई जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती तब भी, अगर मैरिड है, अगर पुअर है तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ आ जाती है और फादर आ जाती है, तो वाइफ को कितना शेयर दिया जाएगा? 1/8 ठीक है, क्योंकि चाइल्ड है, और फादर को, 1/4 फादर को टेबल वन का शेयर देखो, फादर का। मैम 1/4 लिख पाया आपने। 1/6 है, ध्यान से देखो, 1/6 है, हस्बैंड का है 1/4। ठीक है। जी इसमें हस्बैंड नहीं है ना, इसमें वाइफ है, इसकी डेथ यस हुई है यस, ना, ये आदमी की डेथ हुई, तो फादर को 1/6 टेबल वन के हिसाब से कब मिलेगा? जब उसमें लिखा हुआ चाइल्ड है, तो चाइल्ड है ना, तो 1/6 इसको दे दिया, ठीक है, और डॉटर भी है, तो किस हिसाब से दिया है? डॉटर को भी, डॉटर वाला देखो, पॉइंट नंबर 3 है डॉटर का टेबल वन के अंदर, डॉटर देखो। मैम डॉटर को सिंगल डॉटर है तो हाँ, 1, और क्योंकि सन एक्सक्लूड हो गया है तो आई थिंक 1/6। सिंगल डॉटर है तो हाफ। देखो डॉटर को हमने क्या दिया था, अगर दो डॉटर है तो 2/3, अगर एक डॉटर है तो 1/2, ठीक है। आपने कंडीशन मुझे लग रहा है गलत लिखी है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया आपने लिखा था हम शायद गलत नोट कर लिया होगा।
चलो इट्स ओके, आप दोबारा लिख लेना, आई विल ऑल्सो सेंड यू माई नोट्स, ओके। और लास्ट क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अब आप करोगे पूरा। पी फादर है, मदर है, वाइफ है, S1 है, चलिए अब इनका शेयर बताइए। मैम विल कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट अप्लाई ऑन S1 और नॉट है? नो, ठीक है, तो ये इसको ही समझाने के लिए बोला था कि इसको मिलेगा S1 को, ठीक है, मतलब S1 को मिलेगा तो यानी कि ये एक्ट अप्लाई हो रहा है? ये इसको मिलेगा, हाँ इस पे अप्लाई होगा ये एक्ट, ठीक है, इसको जी एक्सक्लूड नहीं कर देंगे, इसको इनहेरिटेंस पे मिलेगा, ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया एस, ठीक है। अब दूसरों की बात देखते हैं, S2 को मिलेगा, यस डी यस डी वन यस डी एस, नो ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए, और ऊपर देखे तो दे ऑल विल गेट ठीक है। तो चलिए शेयर S1। बताइए किसको कितना कितना मिलेगा। सबसे पहले तो टेबल 1 खोल दो, उसमें क्या लिखा है कि भाई फादर को वाइफ कब का मिलेगा, फादर 1/6, ठीक है, फादर क्या लिखा था उसमें, चाइल्ड है मरने वाले के, है ना, तो फादर को 1/6 दे देंगे। उसी के नीचे अगर हम मदर पे आ जाएं 1/6 तो मदर को कितना मिलेगा, 1/6, और यहीं अगर हम वाइफ की बात आ जाते हैं, टेबल नंबर 2, 1/8 टेबल नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, तो कितना मिलेगा, 1/8, क्यों, क्योंकि मरने वाले के चाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है किस किस को मिलेगा, तो सॉर्टेड करके S2 D और D1, ठीक है, इन चारों को मिलेगा, और कितने कितने रेशियो में मिलेगा,2:2, 2:1 ठीक है, गुड, ऑफ द रिमेनिंग जो भी इन सब का होगा, वन ठीक है, प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/8 को वन हाँ, में से माइनस जितना करने भी के बाद रेशियो रेसिड्यूरी जाएगा। है, जितना भी रेसिड्यूरी, क्योंकि अब ये रेसिड्यूरी है ना, ओके इनको टेबल 1 के अंदर तो हम दे नहीं रहे ना, टेबल 2 के अंदर हम दे रहे हैं, डॉटर्स टेबल 2 के अंदर चली जाती है ना, जब सन होता है, और टेबल 2 किसका है, रेसिड्यूरी का, रेसिड्यूरी का। देखो अगर ये सब ना होते, अभी तो देखो सन बहुत सारे हैं तो इनका लॉस हो गया, देखो अगर ऐसा होता कि सिर्फ ये है, तो क्या होता, सन का बहुत फायदा हो जाता, देखो सन टेबल 2 के अंदर है, तो प्रॉपर्टी में 1/6, 1/6 एंड 1/8 इनको दे दिया, और जितना भी बची हुई सारी प्रॉपर्टी है वो ले गया सन, क्योंकि ये पहली कैटेगरी में आता है और सिर्फ यही बचा है, डॉटर भी नहीं, ठीक है। तो टेबल 2 के अंदर आप जैसे ही आते हो वो रेजिड्यूरी हो जाता है। सो दिस वॉज